कमलनाथ ने बजट पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है कमलनाथ ने, इनकम टैक्स स्लैब में छूट नहीं दी। कमलनाथ ने कहा बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि आर्थिक विकास का कोई खाका ही नहीं है, 15 और 20 साल दूर की बातें हैं, बजट नहीं सिर्फ झुंझुना है। तो वहीं भाजपा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बजट पीएम के 2047 के विकसित भारत के सपने को पूरा करेगा। बजट में हर वर्ग को मजबूत करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि बजट में सामान्य वर्ग के 2 करोड़, पीएम आवास में 3 करोड़ घर और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है। इसके आशा वर्कर आंगनबाड़ी महिलाओं को भी आयुष्मान योजना में शामिल करने का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा मेरे साथ हैं। सर, अंतरिम बजट पेश हुआ है, मध्य प्रदेश के लिहाज से क्या है इस बजट में? ये जो बजट आज लोकसभा के अंदर हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन का वो बजट है जो 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। ये बजट सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट है। इसमें युवा, महिला, किसान, गरीब, इन्हें कैसे सशक्त और ताकतवर बनाया जाए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा रही है, उसके अनुरूप इस बजट में समाहित किया गया है। तो वीडी शर्मा साहब कह रहे हैं कि बजट में आधारभूत ढांचे पे फोकस किया गया और इसी वजह से हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिला है। साथ ही दावा किया कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें चुनाव, लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिलेंगे। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, News 18। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।